पोकेमॉन गेम ने लोगों को अपना ऐसा दीवाना बनाया हुआ है कि पूछो ही मत। जहां देखो लोग पोकेमॉन गेम खेलते ही नजर आते हैं, पर मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि मेरे घर के साथ में ही 3-4 पोके स्टॉप्स हैं, जहां शाम को लोगों की ऐसी भीड़ लग जाती है कि जैसे पता नहीं वहां क्या मिल रहा हो। पर खैर, पोकेमॉन गेम खेलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पोकेमॉन एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है जो कि लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगर आपको भी गेम पसंद आई थी और आप और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स खेलना चाहते हैं, तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए आज मैं आपके लाया हूं टॉप 5 ऑगमेंटेड रियलिटी games. Let's find out. तो पहली गेम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेम आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस गेम का नाम है इंग्रेस। पोकेमॉन गो के डेवलपर्स ने ही इस गेम को बनाया, यानी नियांटिक लैब्स ने। ये गेम भी एक GPS बेस्ड गेम है और इस गेम को दो टीम मिलकर खेल सकती हैं। इस गेम का बेसिक फंडा ये है कि इस गेम में आपको फेमस लोकेशंस पर कब्जा करना है, जिसको गेम में पोर्टल्स कहा जाता है। और इस गेम का विनर वही होगा जो ज़्यादा पोर्टल्स को कब्जा करके उनको लिंक करके पूरी सिटी पे कब्जा कर ले। अब अगली गेम जो आप खेल सकते हैं वो है गोस्ट हंटर। हालांकि ये गेम आपको देखने में थोड़ी आसान लग रही होगी, पर ये गेम इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस गेम में आपको अपने फ़ोन की कैमरा खोल के चारों तरफ घूमना पड़ेगा और गोस्ट को ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही आपको कोई गोस्ट दिख जाए, आपको इस गेम में दिए बटन पर क्लिक करके उसे मारना पड़ेगा। पर अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो वो गोस्ट आपके प्लेयर की एक लाइफ खा जाएगा। अब अगर आपने पेपर टॉस गेम खेली और आपको वो पसंद आई थी, तो ये गेम भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस गेम का नाम है AR बास्केटबॉल। इस गेम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इस गेम के साथ एक इमेज मिलेगी, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और अपने फ़ोन के सामने रखना है। अपनी गेम को ओपन करेंगे और वो इमेज एक बास्केटबॉल कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस आपको सारी बॉल्स उस बास्केटबॉल कोर्ट में डालनी है और स्कोर बनाना है। अगली गेम है AR डिफेंडर 2। इस गेम के साथ भी आपको एक इमेज मिलेगी जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने फ़ोन के सामने रखना है और गेम को ओपन करना है। आप गेम को ओपन करेंगे, उस इमेज पर क्लिक करेंगे और वो एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको एक लोकेशन दी जाएगी जिसके आसपास आ रहे हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स को फोड़ के आपको उस लोकेशन को बचाना है। हालांकि ये गेम अभी सिर्फ iOS पे अवेलेबल है, पर अगर आप ये गेम को एंड्रॉयड पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस गेम का आप छोटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है AR डिफेंडर। ओरियो के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ओरियो ने लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम लॉन्च की थी। इस गेम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस गेम में आपको आसमान से गिर रहे ओरियो को एक दूध के ग्लास में डालना होगा। हालांकि ये गेम थोड़ी कैजुअल गेम है, पर ये बेशक आपको एंटरटेन करेगी। तो ये थी मेरी कुछ सिलेक्ट की गई टॉप 5 ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स। अब आप मुझे बताएं कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी गेम पसंद आई, आप प्लीज़ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।